कंझावला कांड की जांच तेज, पुलिस और एफएसएल टीम ने सुल्तानपुरी थाने में रिक्रिएशन किया। अंजलि को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे लोग, आम आदमी पार्टी का कैंडल मार्च। आज सभी आरोपियों की कोर्ट में होगी पेशी। हल्द्वानी में अतिक्रमण के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अतिक्रमण हटाने के विरोध में सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रेलवे की 78 एकड़ जमीन से कब्जा हटाने का आदेश दिया था। जोशीमठ के घरों को बचाने के लिए टीम नैन भारत फर्श की मुहिम जारी है। लोगों का भारी विरोध प्रदर्शन, मशाल जलाकर सड़कों पर उतरे लोग। 561 घरों में आई दरार, जांच करेगी एक्सपर्ट की टीम। दो होटल बंद। आज त्रिपुरा के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी की जन विश्वास रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। कम विजिबिलिटी की वजह से कल रात अमित शाह के विमान ने अगरतला के बजाय गुवाहाटी में लैंडिंग की थी। अहमदाबाद में पठान फिल्म के प्रमोशन के दौरान हंगामा हो गया। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मॉल में बवाल किया, शाहरुख खान के पोस्टर फाड़े। फिल्म रिलीज होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। निवेशकों को साधने के लिए आज मुंबई में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो। उद्योगपति और फिल्म जगत से जुड़े लोगों से मुलाकात करेंगे। सिद्धिविनायक और महालक्ष्मी मंदिर में भी जाकर पूजा अर्चना करेंगे।